नमस्कार दोस्तों, अक्टूबर के महीने को व्रत त्योहारों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इस महीने नवरात्र के साथ ही कई अन्य व्रत त्योहार भी आएंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण व्रत त्योहार इस महीने में आने वाले हैं, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इस महीने जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर को है। इस व्रत को माताएं अपने बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं व्रत करके सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती हैं। इस व्रत की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी और यह निर्जला व्रत है, यानी कि अगर आप इस व्रत को रख रही हैं तो आपको इस दिन पानी नहीं पीना है। इंदिरा एकादशी, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह पितृ पक्ष के बीच में पड़ती है। यह एकादशी मुख्य रूप से पितरों को समर्पित होती है और इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य किए जाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। महालय श्राद्ध, पितृपक्ष में धरती पर पधारे हमारे पूर्वजों की विदाई पितृ अमावस्या के दिन होती है। इस साल पितृ अमावस्या 14 अक्टूबर को है। इस दिन मुख्य रूप से उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनके मरने की तिथि हमें पता नहीं होती। पितृपक्ष में महालय अमावस्या को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शारदीय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का आरंभ पितृ अमावस्या के अगले दिन से हो जाता है। पितरों को विदा किए जाने के बाद माँ दुर्गा का स्वागत किया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्र 5 अक्टूबर से शुरू होंगे और इसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से होती है और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन के साथ माँ को विदा किया जाता है। दुर्गाष्टमी, दुर्गाष्टमी इस बार 22 अक्टूबर को होगी। शारदीय नवरात्रि की दुर्गाष्टमी का शास्त्रों में बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन महागौरी पूजन के साथ ही कन्या पूजन भी किया जाता है। इसके अलावा इस दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं सुहाग का सामान माता को अर्पित करती हैं उनके सुहाग की आयु लंबी हो जाती है। नवरात्रि की समाप्ति, महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है और इसके साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाता है। इस दिन नवरात्र का व्रत रखने वाले लोग अपने घरों में कन्या पूजन करके नवरात्र के व्रत को पूरा करते हैं और इसी के साथ शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो जाता है। विजयादशमी, दशहरे का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसी वजह से इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने इस दिन महिषासुर का वध किया था। इस उपलक्ष में भी यह जीत का पर्व मनाया जाता है। पाप कुंशा एकादशी 25 अक्टूबर दिन बुधवार को होगी। इस दिन व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से अनेक अश्वमेघ और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पाप कुंशा एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पंचांग में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को होगी। इसे कोजागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि में भ्रमण करने धरती पर आती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर बनाकर रखी जाती है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात को धरती पर अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी की पूजा करती है उसके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Live। नमस्कार।